ये मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है क्योंकि पुरुष को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये आपने भी देखा होगा कि पुरुषों को दबाया जा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक पुरुष की लड़ाई मैं लड़ूँ, उसका मसीहा बनूँ। और क्योंकि महिलाओं ने, महिला जो है सम्मान नहीं देती, मैं हर महिला को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सम्मान नहीं दे रही हैं पुरुष के लिए, गलत गलत केस लगा के उनको बंद करा देती हैं, इसलिए मैं पुरुष की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन आप पार्टी ज्वाइन करके कैसे लड़ना चाहते हैं? तो आप ये लड़ाई तो दे रहे, मतलब वैसे भी लड़ सकते थे बिना पार्टी ज्वाइन के। पार्टी ज्वाइन करने क्या मतलब लगाते थे? देखिए, पार्टी ज्वाइन मैंने इस वजह से करी है, देखिए 22 तमाचे खाने के बाद आज 3 महीने के ऊपर हो गए हैं, मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, और सिर्फ तारीख पे तारीख चल रही है कोर्ट से, और मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, विश्वास है, मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था, तो नहीं कि चुनाव ना लड़ने का आपका प्लान हो, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस हो गए हैं, तो आपने सोचा होगा आगे चुनाव लड़ूंगा? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए मेरा इरादा नहीं था, जो मेरी जनता जो खड़ी है बगल में, इन्हीं ने मुझे भरोसा दिया और कहने लगे कि आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पकड़िए और सभासदी का इलेक्शन लड़िए, दावा ठोकिए, और उसकी आगे तैयारी मेरी चल रही है। तो आप सभासदी का चुनाव लड़ेंगे? जी, अब भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से? जी, समाजवादी पार्टी से। तो वो पार्षद बनके आप कैसे न्याय दिलाएंगे, महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगे? तो आपको लगता है कि आप महिलाओं के जो प्रताड़ित हैं पुरुष, उनके लिए क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम? देखिए, मैं अगर पार्षद बन गया वो अल्लाह की मर्जी है, कोशिश करना मेरा काम है। अगर मैं बन गया, देखिए मैं हमारे जिस जगह में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो आप तो महिलाओं के लिए काम करेंगे? सिर्फ महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए, देश की सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नहीं तो फिर आप तो अभी कह रहे थे कि मैं पुरुष के हित के लिए काम करूँगा। देखिए, पुरुष के लिए, हित के लिए भी काम करूँगा, क्योंकि देखिए पुरुष को भी प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि हर जगह पुरुष अगर है, कोई महिला गलत रिपोर्ट डाल देती है तो पुरुष बेचारा फंस जाता है। इसलिए मैंने, मेरे बहुत से भाई हैं कैब ड्राइवर, उनका भी मैं सम्मान करता हूं और उनको भी आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत से लोग जो कैब ड्राइवर है उनको भी मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि अब आगे की क्या है आपकी स्थिति, आप कैसे, आपका पहले तो बताइए केस क्या हुआ, अभी तक केस क्या हो रहा है? केस देखिए, मैंने जो 156 धारा जो करी थी पुलिस के खिलाफ, जो 10,000 रुपये रिश्वत ली थी, वो अभी तक डेट 20 तारीख दी थी, अभी वो डेट आगे बढ़ गई है। इसके बारे में मेरे रियाज साहब, वकील साहब बगल में हैं, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। क्या हुआ वकील साहब, केस में बताइए, आपने भी ज्वाइन कर ली पार्टी? जी, हमने इसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भैया ज्वाइन कर लिया, चाचा को देखते क्योंकि चाचा की छवि भी बहुत अच्छी है, चाचा आदमी भी बहुत बढ़िया है हमारे माननीय सरकार जी, क्योंकि हमारे सभा में जो है राजनेता भी रहे, तो यही सोच के हम ज्वाइन करी है हमने, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी डगमगाई है उत्तर प्रदेश की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी में पुलिस कस्टडी में कस्टोडियन दर्ज कितनी हो रही है, और पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस उसकी हत्या कर देती है व्यक्ति की, पकड़ के ले जाते हैं। और मैं आपको इनके केस के विषय में ये बताना चाहूँगा कि 20 तारीख में जो हमारी डेट लगी थी उसमें ऑर्डर रिजर्व है। अब देखते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष जो हमारा मुकदमा विचाराधीन है, तो उसमें कोर्ट जो भी डिसीजन ले हम इसका सम्मान करें। अब ये मुझे बताइए कि आपके आगे की प्लानिंग क्या क्या है, मतलब आप पार्षदों के चुनाव भी लड़ेंगे और पुरुषों के लिए कैसे काम करेंगे, उसके लिए भी आपने रणनीति बनाई है, लोगों से बात की है, कुछ चर्चा की है? देखिए, पुरुषों के लिए मैंने, मेरे जो जिस जगह में रहता हूँ वहाँ पे उन्हीं ने मुझे, सब लोगों से मैंने बात करी, वो मुझसे कहने लगे कि आप खड़े हो जाइए, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगा। और पुरुष के लिए देखिए, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया और पुरुष के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है, उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और हमेशा पुरुष के साथ रहूंगा। कोई भी पुरुष अगर कोई चीज़ के लिए फंसा है, उसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा, उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा।